फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का उतना नॉलेज नहीं है आपके पास, तो आज के वीडियो में बताऊंगा कैसे आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। साथ में ये भी बताऊंगा कैसे उसका टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसी के साथ साथ जो थंबनेल होता है यूट्यूब वीडियो में डालने के लिए, वो भी कैसे आप बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से और अपलोड कैसे कर सकते हैं, ये सारे चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। YouTube पर वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है। आप लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे या कोई भी ब्राउज़र में या फिर मोबाइल में, तो आपको यहाँ पे youtube.com लिखकर सर्च करना है और YouTube के वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे और ये डेस्कटॉप साइट में यानी कंप्यूटर की तरफ खुल के आ गया है। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे चैनल का आइकन और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, बस अंतर आपके मोबाइल में YT स्टूडियो इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। अगर YT स्टूडियो यानी कि YouTube क्रिएटर स्टूडियो इंस्टॉल होगा तो फिर यहाँ से जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट आपको YouTube क्रिएटर स्टूडियो में कर देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपके मोबाइल में YouTube क्रिएटर स्टूडियो इंस्टॉल है, इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूअर चैनल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कस्टमाइज चैनल लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। YouTube क्रिएटर स्टूडियो में रीडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर एक वीडियो अपलोड का पॉपअप खुल के आ जाएगा जो कि अभी आप देखेंगे। सो देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिल गया है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्रिएट का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से अपलोड और गो लाइव क्रिएट पोस्ट, तो हम अपलोड पर क्लिक करते हैं क्योंकि वीडियो अपलोड करना है। यहाँ से एक देखिए एरो का आइकन आ गया है, नीचे सिलेक्ट फाइल लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आप अपने गैलरी से कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे जो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई वीडियो उठा लिया हूँ जो कि यहाँ पे देख सकते हैं और इसी तरह से आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट रूप में मैं ये सब सेट करके रखा हुआ हूँ। ये सब कैसे करना होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप बताइएगा, मैं आपको वीडियो बना दूंगा इसके बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए प्रोसेस यानी कि ये वीडियो अपलोड होने वाला है। यहाँ पे आप क्लिक करके टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये टैग यानी कि ये हो गया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। टाइटल पर क्लिक करके थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं, इस पर क्लिक करके जैसे चैनल का नाम आ रहा है टेके हेल्प, तो इसको हम हटाकर कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो सीधा यहाँ से आप छोड़ सकते हैं इस तरह से, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वीडियो अपलोड हो चुका है, ऐसे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये अगर इस वीडियो में बच्चे का इस्तेमाल हुआ है यानी कि ये बच्चा भी देख सकता है तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं देख सकता है तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जब नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा। मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पर इस तरह यहाँ से क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद ऑन ऑफ सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये फीचर देखने के लिए ना मिले, क्योंकि अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ होगा तो हो सकता है ऐसा इंटरफेस देखने के लिए नहीं मिल जाए और वीडियो इन्फॉर्मेशन में ले जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट फिर से क्लिक करते हैं। अगर कुछ नहीं करना चाहते यहाँ पर यानी कार्ड नहीं लगाना चाहते हैं और इंड स्क्रीन नहीं लगाना चाहते तो यहाँ फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से देख लीजिए सब कुछ सही है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वीडियो को प्राइवेट रखना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं या फिर अनलिस्टेड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर जैसे कि मेरे में ऑलरेडी यहाँ पर प्राइवेट लिख के आ रहा है, प्राइवेट में रहने देने वाला हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए ये
वीडियो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, लेकिन अगर इसमें मैं जैसे कि अभी आपको बताया हूँ एडिटिंग अगर बाद में करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि अगर आपके मोबाइल में क्रिएटर स्टूडियो होगा तो वहाँ से कर सकते हैं। हालांकि क्रिएटर स्टूडियो से ज़्यादा सुविधा होता है करने में, तो क्रिएटर स्टूडियो क्या होता है नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना है YT स्टूडियो, ये रहा YT स्टूडियो, करिएगा तो मेरे में अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे खोल लेना है इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो मैं अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया हूँ, अभी मैं अपलोड किया हूँ ये वीडियो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना होगा। पेंसिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं वीडियो के बारे में, यानी वीडियो किस चीज़ के बारे में बनाया है उसके बारे में यहाँ पे आप बता सकते हैं। कोई भी चीज़ का लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको टैग दिख रहा होगा, देखिए ऐड टैग पर क्लिक करेंगे। वीडियो मान लीजिए आप बनाए हैं हाउ टू मेक मनी, तो यहाँ पे डालेंगे हाउ टू मेक मनी इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे हाउ टू मेक मनी जब लिख लेंगे यहाँ पे कोमा का आइकन पर क्लिक करेंगे, इस तरह बॉक्स बन के आ जाएगा। वापस से आपको हाउ टू मेक मनी के अलावा भी लिखना है, जैसे कि घर से पैसा कैसे कमाए, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, या फिर मोबाइल से पैसा कैसे कमाए, इस तरह से हाउ टू मेक मनी, हाउ टू यूट्यूब मनी, हाउ टू ऑनलाइन मनी, इस तरह से आप टैग डालेंगे। यानी कि जिस चीज़ का वीडियो होगा उसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे आपको टैग डालना है। उसके बाद टाइटल यहाँ पे जैसे मैं बताया हूँ टाइटल क्या लिखना है, यानी वीडियो किस चीज़ के बारे में है उसके बारे में यहाँ पे टाइटल में बताना है। टाइटल में एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको यहाँ पे देखिए टैग नहीं डालने आता है, क्या आप जो है उससे रिलेटेड डालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यूट्यूब को ओपन करेंगे, और यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हाउ टू मेक मनी, देखिए यहाँ पे हाउ टू एम सिर्फ डाला हूँ, हाउ टू मेक एम डाला हूँ, और यहाँ पे देखिए हाउ टू मेक मनी, मनी इन GAT इस तरह से आ रहा है, बहुत सारे ऊपर ऑप्शन। यहाँ पे मनी लिखेंगे तो और भी ज़्यादा आपको यहाँ पे टैग दिख रहा है। इसी तरह से आप टोटल टैग यहाँ पे उठाकर और यहाँ पे YT स्टूडियो में डाल सकते हैं। यहाँ पे पेंसिल के आइकन पर वापस से क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक एक टैग यहाँ पे सारा लिख सकते हैं, ठीक है, टैग यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अब बारी आती है थंबनेल की, तो थंबनेल के लिए देखिए यहाँ पे पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे इस तरह से, और थंबनेल कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे बनाना है, चलिए पहले वो बता देता हूँ। मोबाइल के प्ले स्टोर में वापस से जाएंगे यहाँ से, और उसके बाद सर्च में टाइप करेंगे पिक्सल लैब, ठीक है। अगर आपको पिक्सल लैब के बारे में पहले से पता होगा तब तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे भी अपडेट का ऑप्शन मांग रहा है, तो ये मैं पहले ही से इंस्टॉल कर रखा हूँ। दूसरा ऐप आपको इंस्टॉल करना है पिक्स आर्ट, आप पिक्स आर्ट के बारे में भी जानते होंगे, ये वाला भी अपडेट करने के लिए बोल रहा है। दोनों ऐप मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्सल लैब मेरे मोबाइल में पहले से है, तो इसे ओपन करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट रूप में ऐसा आइकन देखने के लिए मिल गया है। आप चाहे तो यहाँ से भी यूट्यूब थंबनेल बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है फॉन्ट जब सिलेक्ट करेंगे तो पिक्स आर्ट में जितना अच्छा होता है उतना अच्छा इसमें नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, इमेज साइज में जाएंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए यूट्यूब चैनल बैनर और यूट्यूब थंबनेल लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए 1280x720 का ये जो है आ गया है, इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी कलर यहाँ पे थंबनेल का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी क्लिक करके इस तरह से बहुत सारा ऐसा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर पर क्लिक करते हैं और मैं ज़्यादा करके ये वाला कलर और एक और कलर है ये वाला ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादा करके मैं ये भी कलर इस्तेमाल करता हूँ और ये भी। तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सा
बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो इस तरह से बैकग्राउंड कलर अगर आप चूज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से आप चाहे तो थंबनेल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसे सेव कर लेंगे। थंबनेल बनाने के लिए बस इस पर क्लिक करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको काटेंगे, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं, ओके करेंगे, ठीक है, और इसकी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें नहीं बनाना चाहते, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, इस पर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी में क्लिक करेंगे और ये सेव हो चुका है। यहाँ से हम बीच वाला बटन को क्लिक करेंगे, पिक्स आर्ट को फिर से ओपन करेंगे। पिक्स आर्ट से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हो सकता है इमेज साइज सिलेक्ट करने में दिक्कत होगा, इसीलिए मैं पिक्सल लैब के बारे में बताया था। तो पिक्सल लैब में 1280x720 का ये वाला इमेज मैं अभी जैसे सेव किया था, अब ये यहाँ पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक थंबनेल बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि इस तरह से यहाँ पर पहले गैलरी से कोई एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं जिसे हम इसमें लगाएंगे थंबनेल में। देख सकते हैं गैलरी से मैं ये वाला जो है सिलेक्ट कर लिया हूँ फ़ोटो, इसे मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे मैं फिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, टैग सेट में कुछ भी हम लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो जी बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पे भाषा हिंदी आ गया है। देखिए मैं बोलूँगा यहाँ पे बहुत आसान होता है, नमस्ते, तो देखिए नमस्ते यहाँ पे हिंदी में लिख के आ गया है, तो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिख के आ रहा है, देख सकते हैं, तो इस तरह से लिखा के आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं इंग्लिश में इसको काट देता हूँ, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी बोल के आप लिख सकते हैं, ज़्यादा आसान होता है। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिट करेंगे, फ़ॉन्ट साइज को यहाँ पे देख लेंगे कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा। हालांकि हिंदी में मैं ज़्यादा करके ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, और यहाँ पे मैं कलर ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ज़्यादा करके ये वाला और ब्लैक वाला, वो भी एक थंबनेल के हिसाब से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इस तरह से थंबनेल जब बना लेंगे, उसके बाद यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे, एरो के आइकन पर फिर से क्लिक करेंगे, उसके बाद गैलरी में इसे सेव कर लेंगे। अब ये मोबाइल में थंबनेल बन चुका है। क्रिएटर स्टूडियो वापस से ओपन करते हैं, ये वाला वीडियो जैसे अपलोड किए थे अभी, इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे इस तरह से, और उसके बाद कस्टम थंबनेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला अभी देख सकते हैं गैलरी में सेव किए थे, ये यहाँ पे आ गया है, वापस से सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका देख लीजिए सब कुछ सही है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सब कुछ सही डाल लिए हैं, यहाँ पे प्राइवेट से पब्लिश पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या होगा, वॉच टाइम बढ़ेगा और एक नोटिफिकेशन पहले चला जाएगा आपके सब्सक्राइबर के पास, आपके चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन कुछ देर पहले ये दे देता है आपके सब्सक्राइबर को, और जब वीडियो पब्लिश हो जाता है वापस से एक और नोटिफिकेशन देता है, इससे क्या होता है आपका वॉच टाइम बढ़ता है। ये हो गया, यहाँ से जैसे मैं पब्लिश पर क्लिक किया था, ये देख लीजिए मोनेटाइजेशन का खैर तो अभी आपको ऑप्शन नहीं दिखाएगा, इसे मैं इस पर क्लिक करके इसे प्राइवेट ही करता हूँ, क्योंकि मैं अपना रियल यूट्यूब चैनल पर यह सब दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद यहाँ से सेव करेंगे, बस आपका यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सब्सक्राइबर आपके यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइब लोग किए हैं, वॉच टाइम और कितना अर्निंग हुआ है, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। ये नीचे में आप पढ़ेंगे तो आपको सारा यहाँ पे जो भी लोग कमेंट करेंगे वो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे इस पर कोई क्लिक करके आप इसको लव दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ इसको रिप्लाई में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको वीडियो अपलोड करने के बाद ये भी समझ में नहीं आता है टैग क्या डालना है, तो आप फिर से YouTube ओपन करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं बताया हूँ कि हाउ टू मेक मनी, ठीक है, तो यहाँ पे हाउ टू मेक मनी लिखते हैं, ये लिख के आ गया, ये हिंदी में है, इससे पहले इंग्लिश में कर लेते हैं हम, जी बोर्ड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम मनी करते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, इसी को हम कॉपी करके वहाँ पे टाइटल में डाल सकते हैं।
100% आपके YouTube चैनल पर व्यूज़ आएगा, आपके लोगों को आपके वीडियो को लोग देखेंगे। और फिर से बता देता हूँ, टैग के लिए आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं जो नीचे में लिख के आ रहा है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन UK, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये सब आप वहाँ पे टैग में डाल सकते हैं। फिर से जाते जाते बता देता हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल वीडियो था, कोई भी मैं रियल वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल वीडियो और आपको समझाने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हाउ टू मेक मनी डालेंगे, जिससे आपका वीडियो रिलेटेड होगा वही यहाँ पे सर्च करेंगे और आपके सामने में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब आप सीख चुके होंगे कैसे YouTube पर वीडियो अपलोड करना है, उसका थंबनेल कैसे बनाना है, टैग टाइटल कैसे डालना होता है, ये सारे चीज़ इस वीडियो में बताया हूँ, तो सारे चीज़ आप सीख चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपको काफ़ी फायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आया कृपया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी सवाल है आपका नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर कोई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।